अस्सलाम वालेकुम टूअर्स डियर ऑल स्टूडेंट, टुडे इज अ सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9. हेयर वी हैव टू कवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स एन अदर टॉपिक्स वी हैव टू कवर बेसिक मैन 3 टॉपिक्स ऑफ द केमिस्ट्री. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड द सेकेंड टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, द थर्ड टॉपिक इज केमिस्ट्री इन सोसाइटी. अब ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले इस टॉपिक पे आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन नटशेल द डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री. वाट इज केमिस्ट्री? As already I have written the simple definition of the chemistry at the whiteboard. It deals with the matter and related changes to it. It means ये जो है हमें study देती है, मुतालिया देती है, हमें मालूमात देती है किसके हवाले से, matter के हवाले से, और उसके related जो भी changes होती हैं, जो भी तब्दीली होती है या उसके through जो भी असरात होते हैं, जो भी मतलब कुछ भी होता है, तो वो हम कह सकते हैं ये केमिस्ट्री है. मतलब मैटर और उसके साथ रिलेटेड चेंजेस को हम केमिस्ट्री कह सकते हैं, या अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए इट इज़ द स्टडी दैट डील्स विद द कंपोजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर एंड चेंजेस रिलेटेड टू इट. ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की अहमियत क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब इल्मे कीमिया की अहमियत हमारी ज़िंदगी में, सोसाइटी में अहमियत क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इम्पॉर्टेंस अहमियत केमिस्ट्री की बयान करने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ में अगर अभी केमिस्ट्री का वजूद नहीं होता तो हमें बहुत सारे जो उसमें नुकसान अवेलेबल हो सकते थे, लेकिन हम अभी बेनिफिशियल हैं, हमारी जो एसेंशियल ज़रूरियात हैं वो इस केमिस्ट्री की वजह से पूरी हो रही. अब कौन कौन सी हैं? जैसे हम यूज़ करते हैं ड्रग्स जिसको मेडिसिंस कहते हैं अपनी लाइफ में, बीमारी में, डिजीज में, काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसको ड्रग्स कहा जाता है. उसके अलावा हमारी जो फसल होती है जिसको क्रॉप्स कहा जाता है, उसको में जो बीमारियाँ लगती हैं, जो दूसरे जो जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड की काफ़ी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो भी इस केमिस्ट्री की वजह से क्या हुई हैं, मैन्युफैक्चर हुई हैं वो और इसमें जनरेट हुई हैं ताकि हम उसको ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं या जो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनमें यूज़ होते हैं, वो भी हमारी इस केमिस्ट्री की वजह से है. तो कहने का मकसद ये है हमारे की रोज़मर्रा जो डेली लाइफ है उसमें केमिस्ट्री की बहुत सारी काफ़ी एसेंशियल इम्पोर्टेंस लाजमी है. अगर ना होती तो हम इन काफ़ी सारी चीज़ों से महरूम हो सकते थे. अब आ रहे हैं हम थर्ड पॉइंट पे, दैट इज केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, इल्मे कीमिया और मुआशरा. अब ये टॉपिक क्यों दिया गया है टेक्स्ट बुक में, इसकी वजह क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इल्मे कीमिया मतलब और इसका मुआशरे का आपस में ताल्लुक क्या है, इसका रिलेशन क्या है, बिलोंग्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? अगर केमिस्ट्री का इसके ऊपर रिलेशन है और इसका इसके ऊपर क्या रिलेशन है, मतलब वाइस वर्सा मीन्स इसका इसके ऊपर और इसके ऊपर असरात क्या है, इफेक्टिव क्या है और अहमियत क्या है. ठीक है, अब इल्मे कीमिया की वजह से मैं पहले ही ऑलरेडी जब ये टॉपिक डिस्क्राइब अभी कर चुका हूँ उसमें काफ़ी सारी मैंने पॉइंट्स निगोशिएट की कि हम यहाँ पे मेडिसिन यूज़ करते हैं अपनी बीमारियों को ख़त्म करने लिए, क्रॉप्स में हम पेस्टिसाइड मेडिसिन यूज़ करते हैं फसलों की बीमारियाँ ख़त्म करने के लिए, उसके अलावा काफ़ी सारे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में वो इस केमिस्ट्री की वजह से. तो अब हम वही टॉपिक्स काफ़ी इसमें रिलेट करती हैं. अगर फ़र्ज करें हमारे पास ड्रग्स ना होती, मेडिसिन ना होती, तो क्या होता,
हम अपनी बीमारियों को ख़त्म करने में जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ हमें तक वो तंगी महसूस होती, हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती या हमें कोई और अल्टरनेटिव वे यूज़ करना होता ताकि हम उसको ख़त्म कर दें। लेकिन इस मेडिसन्स की मौजूदगी में होते हुए हम जो है बीमारी कुछ भी होती है, सर का दर्द, बुखार, फ्लू, जो भी है उसमें मेडिसन्स वगैरह खाते हैं जल्दी ठीक हो जाते। वो जो मेडिसन्स आई हैं हमारे पास, इस सोसाइटी में आई हैं, इस माशरे में आई हैं, वो कहाँ से आई हैं? ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड ऑल ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया मेडिसन्स वाला। सेकेंड, मेसी में बता चुका हूँ, क्रॉप्स में हम जो मेडिसन्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड में, वो वहाँ पे भी जो हमारे फसलों को बीमारी लगने से ख़त्म करने के लिए भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड में मैं आपको एक बेहतरीन मिसाल दूँ। अब आप कहेंगे केमिकल्स का हमारी मुआशरे में, डेली लाइफ में क्या काम है? देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि क्लोरीन जो है एक बेस्ट एग्जांपल है एक वर्ल्ड में, जो आज करंटली इस दुनिया में 1000 ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स में यूज हो रहा है। और सिंपली मैं आपको बताऊं, जो हमारा पानी आजकल फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट होने के बाद हम उसमें क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन की डोजिंग कराते हैं, किस वजह से? ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव हो जाए, वो खत्म हो जाए, ताकि हम जो है उसमें बीमार ना हो सके, कुछ ऐसी चीजें ना हो सके। तो केमिस्ट्री का सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर ये केमिस्ट्री ना होती तो सोसाइटी बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें ना होती तो जिसे हम महरूम हो सकते थे, फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। लेकिन केमिस्ट्री के होते हुए हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारी नीड के मुताबिक हैं, जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हैं, जो हमें काफ़ी सारी जो मुश्किल चीज़ों से ये चीज़ हमें निकाल रही है, जैसे बीमारियाँ हो गई, जैसे काफ़ी सारी और चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली केमिस्ट्री की रिलेट कर सकती है सोसाइटी के ऊपर, लेकिन सोसाइटी का केमिस्ट्री के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है। केमिस्ट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोसाइटी, नथिंग एल्स। उसके अलावा जब हम ये तीन टॉपिक्स कवर कर चुके हैं तो हमारी जो नेक्स्ट तीन टॉपिक्स होगी वो अगली वीडियो में कवर होंगी। तो अगर इन तीनों टॉपिक्स के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे, जब मैं ऑनलाइन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इसके अलावा कोई टॉपिक या पूछना हो, कोई असाइनमेंट वगैरह कुछ भी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।